गाइस माय नेम इज महेश चव्हाण द मुस्टाश टैटूज ओनर एंड आज का जो एपिसोड है आई गेस एपिसोड नहीं हो सकता क्योंकि ब्लॉग्स है क्योंकि आज स्पेशली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मैंने जस्ट इंस्टा पे स्टोरी डाला जस्ट सरप्राइज राइट क्योंकि सबको पता ही है कि सरप्राइज का मैंने स्टोरी डाला था एंड देन बहुत मैसेजेस आए कि सर ये बॉक्स में क्या है राइट तो आज वही आज जो सरप्राइज है जो मेरे मॉम डैड ने मुझे गिफ्ट किया वही सरप्राइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है बहुत स्पेशल सरप्राइज है अच्छा स्टूडियो के लिए सरप्राइज है मम्मी पापा ने फर्स्ट टाइम मुझे स्टूडियो के लिए सरप्राइज किया है क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत टाइम मदद की है ऐसा नहीं कि नहीं हेल्प किए बट मैंने कभी जल्दी मैंने कभी हेल्प नहीं लिए क्योंकि मैंने जो भी किया था वन मैन आर्मी जो भी किया था खुद के बलबूते पे किया जो भी स्टूडियो है मेरा देन पढ़ाई देन ड्रॉइंग जो भी मैंने कॉलेज किया पार्ट टाइम जॉब करके किया है देन फुल टाइम जॉब करके किया है आगे पीछे हो जाता है लाइफ में राइट तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है ऐसा मैं बोल सकता हूँ स्ट्रगल करके आज पापा ने सब कुछ देखा है कि बेटा कर रहा है कुछ एंड देन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं देन यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशली पापा ने आज अब वर्क स्टेशन दिया क्योंकि तेरा जो वर्क स्टेशन है पापा मुझे बोलते तू जो जिसके ऊपर काम करता है वो थोड़ा सा खराब है राइट इतना अच्छा नहीं होगी क्लाइंट को थोड़ा सर्विस अच्छी देनी चाहिए तो स्पेशली आज स्टूडियो इतना अच्छा किया है इंटरनेट वगैरह सब कुछ अच्छे से किया है तो फिर सेटअप के लिए क्यों प्रॉब्लम है राइट तो पापा ने इसके लिए मैंने आज जो सरप्राइज है जो मेरा सपना था वो पूरा हो चुका है सो गाइस इसके लिए मैं आज थोड़ा सा खुश हूँ एंड ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी खोला है मैंने ऑलरेडी तीन बॉक्स लेके आए थे तो उसमें से जो फर्स्ट बॉक्स था वो मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटेड था तो उसके लिए मैंने जल्दी खोल लिया क्योंकि देखना था कि क्या क्या होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वर्क स्टेशन यूज कर रहा तो दूसरा वाला जो है वो स्पेशली आपके लिए रखा हो एंड देन आपके सामने खोलूंगा देन उसके बारे में फीचर्स क्या होते हैं उसमें एंड देन हर बंदे के लाइफ में अगर जो जितने जो भी अदर प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट है जिनका स्टूडियो है राइट तो उनके मैं आपको पहले फीचर्स के बारे में बता दूं पहले अदर खोल दे यार जितना जल्दी हम ओपन नॉर्मल स्केचिंग बुक्स हम यहाँ पे रख सकते हैं पेन मार्कर वगैरह राइट यहाँ पे हमारे थोड़े मशीनरी पार्ट आएंगे जैसे टैटू मशीन पार्ट राइट तो यहाँ पे हम मशीन रखो देन एक्सपेंसिव थोड़े से आपकी चीजें जैसे मोबाइल्स वगैरह है तो यहाँ पे रख सकते हैं राइट जैसे मशीन्स हो देन उसके बाद कप्स हो इनकप्स हो ये सारी चीजें आप छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं राइट तो ये उन्होंने ये जो यहाँ का जो स्टैंड है तो यहाँ का स्टैंड ये है मैं आपके ये सारी चीजें बता दूंगा ये उसके साथ ही है राइट ये भी उनके साथ ही है तो ये सारी चीजें यहाँ पे सब कुछ बता दिया इन्होंने तो मैं ये भी सारी डिटेल जो है वो शॉर्टकट में वहां पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा राइट तो ये अंदर वाला जो पार्ट है वो सर कारपेट है तो उन्होंने प्रॉपर अच्छे से बता दिया कि ये आप निकाल के मूवेबल है या आप निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं एज अ सेटअप प्रॉपर राइट तो आपका जो सेटअप है तो यहाँ पे हमारे मशीन पार्ट आ सकते हैं राइट ये वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है राइट कि आपको कौन से पार्ट में क्या रख सकना है क्या क्या चाहिए आपको तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी जो टिश्यू पेपर है डेंटल क्लीनिंग पेपर है ए एन डी बॉटल्स है इंक बॉटल्स है राइट तो हम यहाँ पे सारी चीजें रख सकते हैं तो यह बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है राइट सो हाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी है जैसे 6 inches आएगी मुझे लगता है कि ये आराम से हाँ पूरा 6 inches रहेगा राइट हाइट में तो ऐसे भी है तो वैसे भी ये 1.5 feet तो आराम से है राइट तो उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है यहाँ पे लॉकर दिया है तो इसकी चाबी मेरे पास है ये चाबी है राइट सो प्रॉपर लॉकर दिया है तो लॉकर से आप जो भी मतलब वॉलेट है वो राइट
आपको मतलब जो भी मतलब एग्जांपल आपका लैपटॉप रेगुलर आप वर्क करते हैं देन आपको पर्सनल वर्क है राइट, तो कोई आपको आपके लॉकर को हाथ नहीं लगा राइट, कैश हो एनीथिंग या जो पर्सनल जो भी आपकी चीजें होती है राइट, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे लड़कियां तो लड़कियों के बहुत सारे वॉचेस वगैरह होते हैं, लिप्स वगैरह बहुत लिपस्टिक्स एंड ऑन राइट, सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये पूरा लॉकर है राइट, इन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया ये लॉकर सिस्टम राइट, तो ये जो प्लेस है बहुत प्यारी बनाई है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विवेक माई वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि ये जो भी बनाया विवेक ने बनाया एंड देन विवेक ने मिनिमम 10-15 साल से यही चीज कर रहा है राइट, तो उन्होंने बहुत सही मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इतना लोग एक्सपेंसिव नहीं लेते, पर आउटसाइड आउट ऑफ वर्ल्ड आई गेस आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग बाय करते हैं, क्योंकि ये अच्छा सेटअप है राइट, प्रॉपर क्लीन सेटअप है एंड देन बहुत सारी चीजें इसमें आप अच्छे से रख सकते हो, मतलब आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा राइट, हर चीज आप प्राइवेट सेटअप आप मतलब कोई सेटअप को हाथ नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका सेटअप रहता है राइट, एंड देन उसके बाद इतना बड़ा सेटअप जैसे एग्जांपल ये जो सेटअप है वो सबसे बड़ा दिया है उन्होंने नीचे राइट, तो यहाँ पे आपके रेगुलर टिफिन बॉक्स देन आपकी देन आपका रेगुलर जो बैग होती है राइट वो आप बैग रख सकते हो, देन आपका कैमरा देन कैनन जो भी आपकी मर्जी है, जितनी बड़े बड़े एक्सपेंसिव चीजें होती है राइट, जो बड़े बड़े बैग्स है राइट, देन आपके देन क्लॉथ वगैरह आप जो भी मतलब आपकी पर्सनल आप जस्ट एक नॉर्मल आपकी लाइब्रेरी बुक स्टोर वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे राइट, तो ये आपकी मर्जी आपको कैसे बनाना है राइट, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया है। देन ऑटोमेटिक आर्मरेस्ट, तुम लोगों ने मेरा मतलब फर्स्ट एपिसोड तो देखा है ट्यूटोरियल राइट, सो हाउ टू मेक अ सेटअप राइट टैटू सेटअप, तो उस टाइम पे जो सेटअप था वो इतना अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तो प्रोफेशनली बोलूंगा तो ठीक था, जैसा इतना बुरा नहीं क्योंकि उसमें हमें मैंने मोस्टली 3 or 4 आई गेस 2 or 3 years मैंने वैसे भी वो सेटअप में काम किया, तो इतना बुरा नहीं है कि उस बंदे ने वो उस सेटअप ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है जितने भी सब कुछ है जितने भी अच्छे अच्छे वर्क किए वो सारे वो सेटअप से किए, तो वो सेटअप तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अ बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बोलूंगा तो वो सेटअप इज गुड, बट एज अ प्रोफेशनली जो करते जितने भी लोग प्रोफेशनली जितने भी लोग जो टैटूइंग करते हैं एंड देन अच्छे लेवल पे वर्क करते हैं अच्छे लेवल पे वर्क करते हो तो मैं यही बोलूंगा कि लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत प्रॉपर एकदम हाई स्टैंडर्ड जो लेवल होता है वो लेवल अपने को दिखाता है कि भाई तेरे स्टूडियो का है यार, तेरा है पर्सनल है तेरा। जिस कंपनी से लिया है तो उसका वाउचर है, देन बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, ये आर्मरेस्ट के बारे में लिखा है सब कुछ कि कैसे अटैच करना है, देन बहुत सारी चीजें इसमें, dows.com आएंगे जितने भी इंडिया में जितने भी मतलब जो भी सप्लायर्स है आएंगे, यहाँ पे तो नहीं मिलता ये सारी चीजें क्योंकि ये तो वर्क स्टेशन एंड देन ये, बट मैं इतना बोलूंगा कि आप www.dows.com में जाओ DAU, मैं वैसे भी यहाँ पे लिंक देता हूँ जहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे नीचे लिंक देता हूँ, देन कार्ड में भी अटैच कर दूंगा आज इनकी लिंक वेबसाइट की, तो वहां पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर दो इनको, ठीक है, तो वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में, फिलहाल आर्मरेस्ट थोड़ा सा हम बता देते हैं, कितना कंफर्टेबल, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी यूज नहीं किया आर्मरेस्ट, अच्छा ये पूरा ऑटोमेटिक है रेफरेंस स्टैंड है, तो वो भी मुझे देखना है कैसा है ये, पर मैंने बता दिया कि वैसे अपने आप लॉक हो जाता है अच्छे से राइट, वन प्रेस राइट,
और जैसे प्रेस करो देन यहाँ से लॉक करो तो ओवरऑल लॉक हो जाता है, ओवरऑल लॉक हो जाता है। तो ये मूवेबल चेयर है राइट, तो आप अच्छे से मूव कर सकते हैं कहाँ पे भी आपको चाहिए राइट। ये हेवी है पर आप मूव कर सकते हैं अच्छे से, तो इसके व्हील जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऑलरेडी एक एक जो सेटअप है वो मैंने कल अनबॉक्सिंग किया था, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड देन ये जो सेटअप है वो सिर्फ आपके लिए मैंने ही खोला है राइट, ये अनबॉक्सिंग आपके लिए स्पेशली किया है। तो मुझे बताना था कि अगर कितना अच्छा होता है कि जब जब ये जब वर्क स्टेशन जो है इंडिया में बहुत कम जगह पे है, तो मैंने जब मैंने देखा था डेविल स्टार्टू में है वर्क स्टेशन एंड देन समीर पतंगे के यहाँ पे वर्क मतलब अच्छा क्रेवन स्टार्टू में वर्क स्टेशन है राइट, उसके बाद मेरे यहाँ पे यार वाह यार क्या प्राउड फील होता है राइट। तो इसमें 5 कलर्स है, आपको जो कलर चाहिए वो कलर्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ बताना है उनको कि मुझे कलर ये चाहिए। देन उसके बाद इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का स्टेनलेस स्टील का एक अहिया आता है राइट, तो इसके ऊपर आप प्रॉपर मतलब क्लीन कर सकते हैं राइट। तो वो भी मैं बता देता हूँ पहले फर्स्ट, तो आई गेस बेटर है कि मैं पहले वो बता देता हूँ राइट। ओके ओके सॉरी, तो ये पहले हम बता देते हैं, ये तो वैसे भी यहाँ पे था तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। थोड़ा सा प्यार से खोलना क्योंकि लोखंड है तो लग जाएगा। वैसे इसके ऊपर पूरा पाउडर कोटिंग किया है राइट, तो पाउडर कोटिंग हार्डकोर का पाउडर कोटिंग किया है, तो जब भी आपको मतलब जो ये कलर है जो कलर के ऊपर अच्छे से कोटिंग किया है, तो जब भी आपको मतलब बारिश सीजन हो या कोई भी सीजन हो राइट, तब आपको मतलब कुछ भी पार्ट गंज नहीं पाएगा राइट। गंज मीन थोड़ा सा मतलब खराब नहीं हो पाएगा राइट, पानी में जो होता है ना रेड रेड कलर आते हैं पूरा पतरा जो होता है इसका राइट, तो ये पूरा खराब हो जाता है, तो वैसा वाला नहीं होगा राइट, तो उसका टेंशन मत लो। तो वैसे भी विवेक तो है हमारा, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो देन ये इंक स्टैंड है यहाँ पे, मतलब जब भी आप यहाँ पे कॉर्नर में रखो ऐसे भी रखो, तो इसके अंदर रबर आता है राइट, तो रबर आपको लगाना है राइट। यहाँ पे रबर ले लो, 4-5 रबर लगा दो। जैसे एक स्टैंड होता है एक स्टैंड, तो एक स्टैंड में कैसा हम एक रखते हैं राइट, तो कभी हिलता नहीं अच्छे से, वो ट्रे प्रॉपर ट्रे होता है राइट। तो यहाँ पे वो रबर के लिए इन्होंने मार्क किया, तो रबर यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है। देन उसके बाद इंक बॉटल जो है वो यहाँ पे स्टैंड करना है, तो ये तो इजी है बहुत ज्यादा। तो जब आप इजीली मतलब जब आप प्रेस करोगे तो ये बाहर निकलेगा, तो ये आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि आगे पीछे नहीं होगा। देन उसके बाद जो जो इंक है वो यहाँ वहां गिरेगी नहीं, क्योंकि इंक जल्दी गिर जाती है राइट फटाफट, तो उससे बेटर है कि आप जो रबर लगाओगे तो वो कभी नहीं गिरेगी, इसलिए वो ये पार्ट देखिए। देन उसके बाद ऑलरेडी ये नीचे वाला तो मैंने बता दिया कि किसके लिए यूज करना होता है। देन सेकंड जो लास्ट सेकंड वाला है जो उसके लिए मैंने बता दिया कि कैसे यूज करना है। देन थर्ड फ्लोर जो है वो भी बता दिया कि कैसे यूज करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे यूज करना है राइट, आपकी मर्जी। आपको हर चीज का मतलब फ्रीडम दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि ये आपका वर्क। देन ये बता दे रहा हूँ कि क्या है राइट। देन उसके बाद जो रस्ट है मैंने बता दिया ना कि रस्ट क्या चीज होती है। एग्जाम्पल जब भी मतलब पाउडर कोटिंग है राइट, तो जब भी मतलब बारिश या कोई भी मतलब कोई भी सीजन हो राइट, कभी किसी का मतलब कारपेट की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि या गीला पानी होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है राइट, तो इससे रस्ट हो जाता है राइट, गल जाता है, तो उसकी वजह से ये चीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कोटिंग टू कोटिंग किया जाता है कलर एंड देन बहुत ज्यादा अच्छा कलर। इसे 7 ईयर्स गारंटी है, नॉट वारंटी है। 7 साल की जब आपको गारंटी मिल रही है तो आप सोचो, वो भी रिप्लेसमेंट गारंटी है। अटैचेबल ट्रे है, अटैचेबल आई गेस प्रॉपर मतलब जो स्टैंड जो है राइट, जो इसके ऊपर जो ट्रे जो है जो स्टील का, वो मैं बता दूंगा कि कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, कैसे लॉक करना है। देन उसके बाद अंदर तो कारपेट मैंने बता दिया कि कारपेट होता ही है, ये वाला कारपेट है राइट, या आप मूव कर सकते हो। देन क्लीन कर दो अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जो होता है वो डस्ट अच्छे से एक जगह पे अटक जाता है राइट अच्छे से, क्योंकि वो बहुत टेक्सचर है राइट, तो ये आप झाड़ के फिर से आप लगा सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके सेवा कोई भी खोलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास जब चाबी है तो कुछ भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा राइट, तो अच्छे से खोलो देन एंजॉय करो आपका सेटअप जो है राइट। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इस चीज की, जो प्रॉपर ट्रे है इन लोगों ने मॉस्ट की बना दिया, क्योंकि पूरा स्टेनलेस स्टील है राइट। द कंपनी है प्रॉपर ब्रांड लगता है, यहाँ पे उन्होंने एक अपना खुद का लोगो है राइट, उनका नाम है जो है उनकी कंपनी का, तो वो लगा दिया, तो उससे थोड़ा सा अंदर
क्रेजी फील आता है। हाँ, दिस इज परफेक्ट। अब मुझे पता है कि यार मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 100% आप लोग हैं इसमें से एक, तो मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग मेरे देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सर मशीन के बारे में बताओ, इसके बारे में बता रहे हैं, मशीन पावर सप्लाई है, कलर्स के बारे में बताओ। तो आई गेस बेटर है कि थोड़ा सा यूनिक है ब्लॉग, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार ऐसा सरप्राइज है, स्टूडियो के लिए था एंड देन स्टूडियो के लिए ले लिया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो ब्लॉग बनता है। मेरा मन, सच्ची बोलूं, मेरा कुछ प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का, बट ये सब कुछ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है तो इसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया, तो मजा आ गया। तो ये प्रॉपर है, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो, या आप किसी को लाइट वर्क का काम होता है, लाइट वर्क का, लाइट बोर्ड में काम करना, जब आप खाली बैठे रहते हो, राइट, जब आपके पास क्लाइंट नहीं हो, नहीं आपके पास कुछ काम हो, तो फिलहाल आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, लाइट बोर्ड से ड्राइंग कर सकते हैं, आईपैड, एनीथिंग, यार आप मैक यूज करो, एनीथिंग, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करो, आपको जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है, राइट, जब आप काम नहीं करते उसके ऊपर आप कभी भी काम कर सकते, राइट। मैं जब डेविड स्टार्टिंग में था तो उस टाइम में उनके पास ये जो सेटअप है, यहाँ पे लोग मतलब जब काम नहीं रहते थे, यहाँ पे लैपटॉप से अपना काम करते थे, ड्राइंग करते थे, कस्टमाइज डिजाइन करते थे, क्लाइंट की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डिजाइन करते थे, राइट। तो मैं भी वही करूंगा, मैं तो वैसे भी रेगुलर करता हूँ, मेरे सेटअप में मेरा एक अलग सा मतलब मैंने अलग सा एक टेबल लिया है, राइट, वैकॉम है, देन वहां पे मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, पेंटिंग करता रहता हूँ, राइट। तो ये अलग से सेटअप है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अलग से एक अलग से अभी से यही मेरा वर्क सेशन होगा, जो भी मैं काम करूंगा, ड्रॉइंग करो या कुछ भी करो, तो मैं हमेशा यहाँ पे ही बना दूंगा, दैट इज बेटर, यानी यहाँ पे बात, ओके, यहाँ पे, देन इसका एक लॉक आता है, राइट, जाक आता है, तो आपको साइज मेंटेन करना पड़ता है कि आपकी हाइट के हिसाब से, देन आपको कैसे चाहिए, मैंने मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल हाइट कम कर रहा हूँ, राइट, ये प्रॉपर मजबूत हो गया, थोड़ा सा आपको लूज करना है, क्योंकि हमें ये जो लॉक सिस्टम है ये यहाँ पे डालनी है, बस बेटर कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, और ये भी है बहुत ज्यादा यहाँ पे मूव कर सकते लाइट, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट चाहिए, तो ये लाइट स्टैंड है, तो मेरे पास लाइट स्टैंड ऑलरेडी है, तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा सकता हूँ कैसा लाइट स्टैंड होता है, तो फिलहाल मैं लाइट चालू नहीं करता, बट फिलहाल तो यहाँ पे बता सकता हूँ, तो एनीथिंग, यहाँ पे टिश्यू रोल्स होता है, देन जो भी आपको जो पसंद है, कि यहाँ पे वैसे एक हुक होता है, यहाँ पे आप रेफरेंस स्टैंड लगा सकते हो, नॉर्मली ऐसा रेफरेंस स्टैंड होता है जो आप लगा सकते हो, तो वैसे आपको जो मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं, राइट, जैसे भी कंफर्टेबल, जैसे आपको जैसा वर्क सेशन है, हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा सकते हो, राइट, हाइट कम करनी है तो हाइट कम कर सकते हो, राइट, जो प्रॉपर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, इट्स गुड यार, बहुत ज्यादा अच्छा है यार, विवेक थैंक यू सो मच फॉर मतलब इतना अच्छा अम्ब्रेल, मतलब अम्ब्रेल वर्क स्टेशन है, मूवेबल वर्क स्टेशन है, इतना अच्छे से, इतने प्यार से बनाया, एंड देन थैंक यू सो मच कि मैं एक आपके कंपनी का पार्ट बन गया, राइट, सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वर्क सेशन में 100% मतलब अभी लाइफ टाइम, क्योंकि मतलब मिनिमम 15-20 साल या 30 साल में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई गेस कभी गलती हुई, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट, तो मैं जरूर मेरे पास ऑलरेडी 77 ईयर्स गारंटी है, राइट, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं 100% से कॉल करूंगा,
जो लाइट स्टैंड है तो हमें बता देगा कि लाइट स्टैंड कैसी है, राइट। जैसे मूवेबल है, जैसे आपका हाथ जैसे कंफर्टेबल हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए तो लॉन्ग लाइट, जहाँ पे कंफर्टेबल जितना लाइट लाइट चाहिए लाइट लाइट, तो वैसे यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने वही बोला था कि मैग्नेटिक, राइट। मेरे पास दो तीन पावर सप्लाई जो मैग्नेट है, राइट, पूरा मैग्नेट से भरे, राइट, तो आप चिपका सकते हैं अच्छे से, राइट, तो ये अच्छे से यहाँ चिपका सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आई गेस सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मतलब सबके लिए रिलेटेड था, क्योंकि अगर टैटू इंडस्ट्री के लिए मैं मोस्टली इतना बोलूंगा कि आई गेस सबके पास ये जितने भी टैटू आर्टिस्ट है, जिनका स्टूडियो है, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा, आई गेस 5 years के बाद का एक्सपीरियंस है, जिनको स्टूडियो के लिए 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, जिनके पास अच्छी में मतलब सेविंग है, तो आई गेस बेटर है कि आप अपने स्टूडियो के लिए वर्क स्टेशन लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवेबल है, देन वहां पे आप लॉग भी कर सकते हो। ये वर्क स्टेशन चाहिए होगा तो कॉन्टैक्ट ऑफ विवेक, जिन मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वेबसाइट लिख देता हूँ, देन उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा। जिनको भी अगर जितने भी टैटू आर्टिस्ट है जिनको सच्ची में चाहिए रहेगा तो प्लीज कॉल करो, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर मॉम डैड की जो मुझे इतने अच्छे गिफ्ट दिए, थैंक यू सो मच फॉर जो जिन्होंने मुझे कमेंट की, जो सरप्राइज है वो प्लीज बता दीजिए, राइट। तो आई गेस सबको मैं कमेंट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि जो ट्यूटोरियल से आज इंडियन टैटू आर्टिस्ट के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ सारी चीजें, गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कंपस से आपको लाइक करना है, तो उसके बाद आपको जो कमेंट सेशन जो है, राइट, तो वहां पे आपको बताना है कि ब्लॉग